मां काली के नाम पे आज के समय हजारों लोगों के साथ उनकी भावनाओं से, उनकी श्रद्धा से खेला जा रहा है। आज की वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है, क्योंकि आजकल YouTube पे, सोशल मीडिया पे, Instagram पे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, जिसके अंदर मेरी बहनों के अंदर मां काली आती है और एक हाथ में दारू की बोतल रहती है और दारू पीती है, एक हाथ में सिगरेट रहती है, सिगरेट पीती है। कई भगत कहते हैं मां काली को अंडे का भोग दे दे, कई भगत कहते हैं मां काली को भाई मुर्गा दे दे, शमशान में जाके ये चढ़ाया, शमशान में जाके वो करा। भाई आपकी श्रद्धा, भाव और विश्वास सबके साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, और सोशल मीडिया पे आज के टाइम हम बहुत ज्यादा निर्भर हो गए हैं। तो ये बात सोचने वाली है कि एक नॉर्मल लोग पे भक्ति के नाम पे क्या उनके सामने मैसेज जा रहा है। आप कमेंट में जरूर बताना क्या मैसेज जा रहा है, क्या नहीं, क्योंकि भक्ति भाव से चलती है, ना कि दारू की बोतल चढ़ाने से। भक्ति विश्वास पे चलती है, ना कि सिगरेट पीने से। मैं उन बहनों से एक बात पूछना चाहूंगा जो एक हाथ में आज दारू की बोतल लेके बाल खिंडा के और कहते हैं मेरे अंदर मां काली आ गई और मां काली दारू पीती है। मैं आपसे एक बात नॉर्मल से पूछना चाहूंगा आज, क्या आपकी सगी मां जिसने आपको जन्म दिया, क्या वो दारू पी सकती है आपके हाथों से? आप अपनी एक मां को एक गिलास दारू का देके देख लेना, आपको ना गाली मिले, ना बोला कि जा परेना मर जा के दे रही है क्या नहीं। अगर आपकी मां नहीं बोल दे तो मुझे बोल देना कि हाँ मां काली को दारू सही चढ़ा रहे हैं। जब जल्द आपकी मां जिसने आपको जन्म दिया वो आपके हाथों से दारू नहीं पी सकती, वो आपके हाथों से दारू स्वीकार नहीं कर सकती, तो एक जगत जननी मां जिसके हम बेटे हैं, जो हमारे दुखों का नाश करती है, हमारे घर में लक्ष्मी प्राप्ति कराती है, वो मां ये सोच के आपके घर में लक्ष्मी देती है, आपके दुखों को दूर करती है, क्या ये बेटे का मैं दुख दूर करूंगी मुझे दारू देगा, क्या मैं इसको दुख दूर करूंगी मुझे अंडा देगा खाने के लिए? अरे भाई पहले तो आपको भक्ति समझनी होगी। जब तक भक्ति नहीं समझ लोगे जब तक आपका भक्ति करने का मतलब ही नहीं है। सबसे पहले मैं पूछूंगा भाई मां ने चलो मांस मिट्टी कब खाया था, कब खाया था भाई? आप कहोगे मां तो वो मुर्गा खाती है। अरे भाई आपने कभी गोरखनाथ जी की कथा पढ़ी है, नहीं पढ़ी? मां ने कब दारू पी है आप मुझे ये बता दो, मां ने कब दारू पी है? दारू पीने के बाद मां ने एक, मैं आपको इसका पूरा चिट्ठा बता सकता हूं भाई जी, मैं आपको सारी सच्चाई बता सकता हूं, समझा सकता हूं, पर लोगों ने पाखंड इतना मचा दिया, इतना पाखंड मचा दिया ना, और हजारों की भीड़ भाई उनके पास, हजारों में भीड़ है भाई, उनके पैर दबा रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं भाई। कई भगत तो ऐसे आ गए भाई आजकल मार्केट में जो अपने आप को मां काली के चरित्र में डाल लेते हैं, मां काली की तरह तैयार होते हैं और मां काली बन जाते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें महाकाल भैरव बाबा जी झांकी निकाली जा रही थी भाई, महाकाल भैरव बाबा की, और उस झांकी में क्या हो रहा कि लोग बागों के महाकाल भैरव बाबा जी एक चमटा ले रखा, चमटे से आशीर्वाद दे रहे हैं, चमटे से आशीर्वाद दे रहे थे, पर आशीर्वाद देने का तरीका क्या था? लोग बाग भाग रहे हैं उस शख्स से डर के जो महाकाल का कैरेक्टर में था, और भैरव बाबा उनके पीछे भाग रहे हैं। अरे भाई क्या पाखंड मचा दिया भाई आप लोगों ने, भैरव बाबा पीछे भगा रखा आपने, रोड पे नचा रहे हो, आजकल जागरण हो जाए मां को नचाने लग जाते हो और मां के सामने पैसे उड़ाते हो भाई जागरण में, तो पाखंड नहीं तो क्या भाई? जागरण करवा रहे हो, आपको श्रद्धा आपका है, विश्वास है, माई रानी का झांकी निकलवाई तो आप उसमें पैसे उछा लोगे? अरे करना तो फूलों के हार लेके आओ, उस करेक्टर में जो इंसान है उसको करेक्टर में भाई माला पहनाओ, पैसे उड़ाने के लिए 100 रुपए आप वैसे उसके हाथ में दे, 100 रुपए की जागरण के लिए माला बनवा लाओ, उनके गले में माला में पैसे डालो भाई, या पैसे उड़ाने से वो सारी चीज होगी? आशीर्वाद लो जो करेक्टर में जा रखे है, पर आज के टाइम इसका उल्टा हो रखा भाई, जो दरबार लगाते हैं चौकिया, आज के टाइम में घर घर में चौकी है, घर घर में भाई दरबार चल रहे हैं, पर उन दरबारों की सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, भगत के पास जाते हैं लोग बाग, हाय भगत जी मेरा ये काम बिगड़ गया, हाय भगत जी मेरे घर में प्रॉपर्टी का काम बिगड़ा हुआ, हाय भगत जी मेरी बहू छोड़कर बाज गई, हाय भगत जी मेरी मां मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं कर रही। बस आज के टाइम में जादू टोना यहीं तक खत्म हो जाता भाई, और यहीं तक ही दरबार चलते है भाई, ना तो किसी के अंदर सच में भूत आते। मेरी बात सुनो, 100 में से 2 या 3% केस ही ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिविटी होती है भाई, जो नेगेटिविटी का शिकार हो रहे होते हैं। कई लोग तो ऐसे देखे मैंने दरबार में, फोन करते हैं भाई जी मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गया बाजी, उसका वशीकरण कर दो, फोन आते हैं भाई, जो मैं बताता हूँ मेरी माँ ने मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं की, अपनी माँ को गाली देने लग जाते हैं भाई, पता नहीं कैसी माँ भाई, ये नहीं क्या ये रह गया भाई, आप भक्ति कर रहे हो? मैं आज आ रहे किसी से पूछूंगा भाई, कॉमेंट करके जरूर बताइयो,
हर किसी को से एक क्वेश्चन है ये मेरा, कमेंट जरूर करनी है। आप लोग भक्ति कर रहे हो या भक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? भक्ति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, खिलवाड़। कहते हैं मैं मां काली की भगत हूं, मेरे ऊपर कोई करेगा तो उसको संसार में जगह नहीं मिलेगी। अरे पहले तू मां काली की भगत बन तो सही, मां तेरे सामने आके खड़ी ना हो जाए जब मुझे बोलना। मां काली क्या किसी दूसरे का बुरा करती थी? आज आपके पड़ोस में किसी के साथ लड़ाई हो जाए, इसको तो मैं बताऊंगा मेरे अंदर मां काली आती है, अभी शमशान में भोग दे के आती हूं, इसको नचाती हूं। अरे आप क्या सोचते हो आपके साथ मां काली चल रही है और मां काली आपको ये शिक्षा दे रही है? भाई साहब मैंने आदमी देख रहे हो, आदमी की फितरत होती है, उस फितरत पे काबू करना, उनके जैसा बनना, अपने आप को ढालना, वो अपने अंदर डिपेंड करता है। मां काली कभी ये नहीं कहती मुझे अंडा दे। आपके घर में मां काली को खिलाने के लिए खाली अंडा ही है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, मां काली को दारू ही है पिलाने के लिए? अरे जो कहता भाई हमारे घर में तो दारू चढ़ती थी मां काली को, अरे एक काम करे इतना होता है, मां काली को दारू की जगह नींबू का पानी बना के दे, मीठा शरबत बना के दे। मां काली तुझे ना खुश हो तो मुझे बोलना, ना खुश हो तो मुझे बोलना। भाई आपने कभी उससे आगे बढ़े ही नहीं। मां भाव पे चलती है, विश्वास पे चलती है। भाई मेरी बात सुनो, सबसे पहले मां जो आपको समझाता हूं, मां काली की शक्ति विश्वास पे चलती है। अगर यहां से भाव है ना, आज आपके ऊपर दुख है और आपने ये बोल दिया नहीं मां है मेरे साथ, तो मेरी मां काली बैठी है, तो दुख आपके दरवाजे पे भी नहीं आ सकता। देखो दुख और सुख जिंदगी के दो पहलू है। दुख तो आपको झेलना पड़ेगा जो किस्मत में लिखा, बस मां काली उसको झेलने की आपको ताकत देगी, आपके दुखों को कम नहीं करेगी। मेरी बात सुनो, मान के चलो आज आपके समय पे 1,00,000 रुपए का कर्जा है ना, तो 1,00,000 रुपए का कर्जा कैसे उतर जाएगा आपको स्वयं नहीं पता चलेगा, और वो कर्जा तो उतारने से ही उतरेगा। ये नहीं है कि भाई मेरे ऊपर 1,00,000 का कर्जा, मां काली की मैं पूजा करूंगा और मां काली 1,00,000 कर्जा माफ करवा देगी। नहीं, मां काली 1,00,000 जो आपके ऊपर कर्जा ना, उसको उतारने के लिए आपको शक्ति देगी, आपको रास्ते देगी, आपको कर्जा उतर जाएगा। पर आज के समय हम करते क्या है, आपके घर में बैठी हुई मां की तो हम इज्जत करते नहीं, और फिर हम कहते हैं कि भाई हम मां काली के भगत है और हम मां काली के भगत है और मां काली पे अपना खून का छिट्टा देते हैं। आज मैं उनसे ही बात करना चाहता हूं जो मां काली को खून का छिट्टा देते हैं। आपको एक मैं नॉर्मल सी बात पूछता हूं, जब शिवजी भगवान जी ने गणेश जी के साथ युद्ध हुआ था, लड़ाई हुई थी और गणेश जी की गर्दन उतार दी थी, तो मां काली अपने बच्चे का खून देख के, गर्दन ना देख के मां काली क्रोधित हो गई थी, शिवजी महाराज जी से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, पूरा संसार कांप गया था। फिर शिवजी भगवान जी ने गणेश जी को हाथी का सर लगाया था, फेस लगाया था भाई। तो एक बात सुनो, जब मां काली गणेश जी को देख के इतना क्रोधित हो जाती है, क्या हम मां काली के बच्चे नहीं है? क्या वो हमारी मां नहीं है क्या? क्या वो हमारे ऊपर वो नहीं क्या करती? क्या हमके मोह ममता नहीं है क्या? आपने लाखों ऐसे किस्से सुने होंगे मां काली के, ऐसे भगत देखे होंगे जिन्होंने खाली दो पतासे, दो लोंग के जोड़े में मां काली के दर्शन किए हैं। पर आज के टाइम यूट्यूब पे मां काली आपको जब भी मिलेगी जब आप सौ साधना कर लोगे, मां काली आपको जब भी मिलेगी जब आप दारू चढ़ा लोगे, मां काली आपको जब भी मिलेगी जब आप खून के छिट्टा दे दोगे। अरे भाई कहां तक ये ठीक है? क्यों इन चीजों को बढ़ावा मिल रहा पता है? आप लोगों को भक्ति का तरीका पता ही नहीं है। आप आज के समय में भक्ति YouTube से देख के करना चाहते हो, YouTube से किसी भगत के द्वारा बताए तरीके से करना चाहते हो, ना कि अपने भाव से। मैं आज आपसे एक बात पूछता हूं, आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, सारी चीज करते हो, आप जॉब करने के बाद आप अपने घर जाते हो और अपनी मां से आशीर्वाद लेते हो, पैर छूते हो, मां कहती है सदा खुश रहे, और वहीं आप अगर बिना बोले अपने कमरे में चढ़ जाते हो, 10 दिन ऐसा करते हो, तो मां बोलेगी बेटा क्या बात होगी, बात नहीं कर रहा मुझसे, क्या दिक्कत आ गई, क्या समस्या आ गई? आप बोले मां मैं बिजी रहता हूं, वो मां आपसे बात करने के लिए तरसेगी भाई। तो आप एक बात बताओ मुझे, एक नॉर्मल सी बात पूछता हूं, जिस माता रानी के आप जाके सुबह शाम आशीर्वाद लोगे, मां के सामने शीश झुकाओगे, मां काली को बोलोगे मां मुझे ये दुख है, मैं पतासे लोगों का तेरे को भोग देता हूं, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर माई रानी, क्या माई रानी वो ये बोलेगी कि भाई बेटा तू मुझे अंडा देगा जब भी मैं तेरा काम करूंगी, बेटा तू मुझे दारू पिलाएगा मैं जब भी तेरा काम करूंगी, बेटा तू मुझे खून का छिट्टा देगा जब भी मैं तेरा काम करूंगी? यार माँ है माँ, मैं यार आप लोगों से खुद की माँ से आपने लेके चलो ना, ये तो जगत जननी है। माँ आपकी माँ में और माँ काली में कोई फर्क नहीं है। आपकी माँ का काली माता का रूप देखना है ना, जब आप छोटे बच्चे थे कोई गलती कर देते थे तो माँ चप्पल लेके आती थी, बैठ देती थी आप लोगों को, आपने घर में कोई सामान तोड़ गया बैठ देती थी, वो आपकी माँ का काली का रूप था। और आज जो आप रूप देखते हो, माई रानी पूछती है बेटा कुछ खाया नहीं खाया, वो माँ पार्वती का रूप है। तो अपनी माँ से लेके चलो ना भाई,
जब वो खुद की माँ गलती करते हो आपको डांट देती थी, आपको मार देती थी, तो आज आप क्या करते हो, माँ काली आपसे नाराज हो जाए ना, अरे मेरा बेटा तो मुझे पूछता ही नहीं, मेरी पूजा ही नहीं करता, मेरा वही नहीं करता, आप क्या करते हो, आप पूजा करने का तरीका बदल देते हो। है महारानी मेरे तो नाराज कैसे होगी, ले माँ तू दारू पी। अब महारानी दारू पी लेती है, दारू आपने चढ़ा दी, जो शक्ति आपके घर में माँ काली की चल रही थी वो दारू पी गए। अब दारू पीने के बाद आपको पता इंसान कैसे हो जाता, अरे तू मेरा बेटा मैं तेरी माँ, बता तने के चाहिए। थोड़े दिन वो दारू में हो गए, माँ रानी को नशा था, कार्य हो गया, नशा उतरने के बाद तूने मुझे दारू पिलाई, घर में फिर बवाल होता है। मैं लिख के पूछता हूं एक बात आपसे, जो भाई दारू चढ़ाते हैं, जो भाई दारू चढ़ाते हैं, क्या वो छह महीने में एक बार दारू नहीं देते माँ काली पे? ना देते हो तो मेरे को बता दो भाई, कंपलसरी हो गई दारू देनी या नहीं हुई? अरे माँ काली क्या उस दारू में खुश है जो आप माता काली को दारू चढ़ा रहे हो? मैं आपसे लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या माँ काली उस दारू में खुश है आपसे जो आप दारू चढ़ाते हो? आपके घर में परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आती, आपके बच्चे कामयाब है जो आप दारू चढ़ाते हो? कामयाब है क्या? कामयाब होने के बाद उनकी शादी हो रही है? शादी होगी क्या उनको औलाद हो रही है जो लोग दारू चढ़ाते हैं? प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, प्रॉब्लम का समाधान देखो, उनसे भागना मत सीखो। समाधान क्या है, किस तरीके से माँ काली को खुश कर सकते हैं, अपने इष्ट को मना सकते हैं, अपने देवताओं को राजी कर सकते हैं, उनके चरणों में किस तरीके से हम स्थान पा सकते हैं। आपने वो भजन सुना होगा, ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन रात माँ तुम मंदिर के अंदर हो। आज के टाइम उल्टा हो गया, ए माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, दारू पिलाऊंगा दिन रात और माँ रानी तेरे को चखना मैं अंडा दूंगा। कुछ इस टाइप की आज की भक्ति होगी भाई, भक्ति का मतलब बदल गया है। लोग बाग आजकल माँ को दारू देने लग गए हैं, बाप को भाई जी महाकाल को सिगरेट का भोग लगाने लग गए हैं, गांजा पिलाने लग गए हैं। तो भाई भक्ति तो आज के टाइम में हो गया। अब पहले उनका ये तो देखो, अगर महाकाल ने कभी सिगरेट पी थी, जहर पिया था, गांजा पिया था, तो उनका मकसद तो जगत कल्याण के लिए था ना भाई, जगत कल्याण के लिए। बाबा ने, पिताजी ने, भोलेनाथ जी ने जब जहर पिया था तो सृष्टि की रक्षा के लिए पिया था ना, कि वो जहर पूरे संसार में ना फैल जाए, मेरे द्वारा बनाई गई पृथ्वी नष्ट ना हो जाए, जभी तो पिया था ना। पर नहीं, आज के टाइम तो भाई आपको सिगरेट पीनी है, क्यों पीनी है? महाकाल पीते थे, मैं भी पीऊंगा। अरे महाकाल ने कुछ करने के लिए पी थी, और आप किस लिए पी रहे हो? शोक में। आप दारू किस लिए चढ़ा रहे हो? शोक में। मैं दारू पीता हूं, मैं छोड़ नहीं सकता, इससे अच्छा यही है कि मैं महाकाली पे दारू चढ़ा दूं, महाकाली भी कुछ नहीं बुरा बुरे नहीं मानेगी, मैं भी चढ़ा देता हूं। आप तो भाग गए ना। मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, देखो आप दारू पीते हो, मान ला शनिवार के दिन आप परहेज करते हो, वो दिन आप दारू पीते हो, महाकाली ने आपसे दारू थोड़ी मांगी है, आप पियो दारू, आपको अगर ऊपर माँ पे क्यों चढ़ा रहे हो? माँ के सामने नतमस्तक तो राक्षस लोग थे, पूजा करते थे, खुद करते थे, हर चीज करते थे, उनका पूजा करने का तरीका क्या था? दारू, मांस, मिट्टी, अंडा, इस पे था, वो राक्षस लोग के थे। और आज के टाइम में इंसान से बड़ा राक्षस कोई नहीं है, जिनके मत्थे तुम जाके नतमस्तक होते ना भक्तों के, उनसे बड़ा राक्षस आज के समय कोई नहीं है, जो समाज को खोखला कर रहे हैं, समाज को भक्ति से दूर कर रहे हैं, राक्षसों के घर में पूजा करवा रहे हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अभी मैंने 1,00,000 सब्सक्राइबर टारगेट रख रखा है, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके, जो भाई रोड पे सोते हैं उनके लिए खाने पीने तक काम इंतजाम कर सके। और हाँ, साथ में अगर बेल आइकन भी दबाते हो तो जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़के आप अपनी समस्या का भी समाधान ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिन मसान को बंधन, क्रिया बंधन, व्यापार बंधन, किसी प्रकार का बंधन हो, दिक्कत हो, आप हमसे बेफिक्र होकर लाइव में जुड़ के अपना समाधान ले सकते हैं। अपने यहाँ पे सात्विक तरीके से, भाव से, श्रद्धा से इलाज होता है, ना कि आपको तामसिक भोग दिला के। जो कार्य सात्विक तरीके से हो जाएगा, तामसिक तरीके से नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो से आप सहमत हो तो कमेंट करके जरूर जाना, और देखते आज माँ काली के कितने बच्चे हैं जो माँ काली को माँ मानते हैं, एक श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वही माँ काली का जयकारा लगा के जाना, वरना भाई किसी के सामने फोर्स नहीं है। आज देखते कितने इस वीडियो को शेयर करते हो आप, कितना फैलाते हो, ताकि लोगों की आंखें खुल सके, लोग बाग जागरूक हो सके। तो मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय सियाराम, हर हर महादेव, हर घर महादेव। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी अस कृपा कर दे जीते जी।